चलिए, नमस्कार। आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल पे स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो जो बच्चे इस बार 12th बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं आर्ट्स में, और आर्ट्स में जिन बच्चों का ज्योग्राफी है यानी भूगोल है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम प्रत्येक वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो कि VVI टाइप के प्रश्न होते हैं, और ये ऐसे प्रश्न है जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी के अब तक कुल 3 सीरीज ऐसे VVI वाले आपके करा दिए हैं, और आज के वीडियो को लेकर करके ये हो जाएगा चौथा सीरीज यानी 4 सीरीज, यानी टोटल एक वीडियो में 10 क्वेश्चन। तो आज के 4 सीरीज मिला कर करके आपको VVI टाइप के 40 क्वेश्चन आज करा दिए जाएंगे। आगे की सीरीज भी लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए, आज की सीरीज का हम पहला प्रश्न देखें। इन सभी से पहले जो जो बच्चे आर्ट्स वाले होंगे, जिनका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और दोस्तों पे शेयर भी कर दीजिए कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए भी टॉप 10 आता है, पॉलिटिकल वाले के लिए भी आता है। सारे आपको वीडियो जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं आराम से चैनल में जाके। अब ये रहा आपके सामने ज्योग्राफी का टॉप 10 का एक पहला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपको आराम से बताना है। सारे प्रश्न NCERT बेस्ड है, इसीलिए ध्यान दे करके आप आराम से एक एक कवर करेंगे। पहले प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन ओपेक का सदस्य है। आपको बताना है दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र की अगर बात कर लेंगे, और उसमें से एक देश बताना है ऐसे देश जो ओपेक का सदस्य है। तो आप इसमें देख रहे हैं ऑप्शन 1 है ब्राजील, दूसरा वेनेजुएला, तीसरा चिली और चौथा है आपका पेरू। फटाफट से जवाब देंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। तो मान लेते हैं दक्षिण अमेरिका देश है, हालांकि इसे ऊपर में उत्तरी अमेरिका वाला इलाका लग जाता है, ठीक है, इधर उत्तरी अमेरिका, अब बना तो नहीं पा रहे। यहाँ पे कंट्री दक्षिण अमेरिका में, इसको वेनेजुएला कहते हैं, और वेनेजुएला के जस्ट नीचे एक बहुत बड़ा सा कंट्री है, यानी दक्षिण अमेरिका देशों में सबसे बड़ा है, इसी को कहते हैं ब्राजील। याद रखेंगे, इसी को कहेंगे सर ब्राजील। तो ये ब्राजील है, ये वेनेजुएला है, ठीक है। इधर साइड में आप तटीय इलाका में देखेंगे पेरू, चिली, इक्वेडोर, सारा कुछ इधर मिल जाएगा आपको। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा देश ओपेक का सदस्य है। सबसे पहले जो बच्चे नहीं जानते हैं कि ओपेक होता क्या है, वो जान लेंगे कि ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, पी से पेट्रोलियम, ई से एक्सपोर्टिंग यानी निर्यात करना, और सी से कंट्रीज यानी जो जो देश वर्ल्ड में पेट्रोलियम निर्यातक देश है, जो दूसरे कंट्री में पेट्रोल का उत्पादन कर करके, पेट्रोलियम का उत्पादन करके और भेजते हैं, तो उन कंट्री का एक अपना एक समूह है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसी को कहते हैं। तो इसमें याद रखेंगे सदस्य है की बात कर ले, तो इसमें सही जो जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा वेनेजुएला। याद रखेंगे सही जवाब क्या हो जाएगा, वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका का एक ये वेनेजुएला जो दिख रहे हैं, ये आपका ओपेक का सदस्य है, ये याद रखेंगे। तो ए का बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलिए ध्यान से, आप जैसे कि सब पहले वीडियो में भी हम आपको बता रखे हैं, जो जो पुराने बच्चे हैं उनको जानकारी होगा कि एक तरफ आपको अपना आंसर लिखना है, आप क्या कर लीजिए 2 कॉलम बना लीजिए, ठीक है, ये 2 कॉलम बना लीजिए, एक इधर 1 2 3 ऐसे कर लीजिए 10 तक, और एक इधर कर लीजिए 1 2 3 ऐसे 10 तक, और जो हम लगा रहे हैं ए लगा रहे हैं या बी लगा रहे हैं, तो आप ऐसे लिख लीजिए कि ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका ए, जो आपको लगे हम जो कराएंगे वो। और एक तरफ आप अपना लिख लीजिए कि आप क्या सही सही मारे, वीडियो को रोकिएगा आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लास्ट में आप हमारा स्कोर बताएंगे आप अपना कि सर 10 क्वेश्चन में हम कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए, कितने क्वेश्चन गलत। चलिए तो आगे प्रश्न पर देखें कि बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। कोई देश अगर दूसरे जगह से हम मंगा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है व्यापार कहेंगे कि निर्यात कहेंगे कि आयात कहेंगे या फिर बाह्य व्यापार कहेंगे। तो सही जवाब की अगर बात कर लेंगे तो याद रखेंगे दूसरे जगह से हम कोई भी चीज को मंगाएंगे तो हमारे कंट्री में वो चीज आएगा, तो आएगा तो आयात हो जाएगा, आएगा तो क्या होगा आयात, इसी को अंग्रेजी में इम्पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट। और अगर हम अपने यहाँ कोई चीज, हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो उसको दूसरे देशों भेजेंगे तब उसे
निर्यात कहते हैं, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। ये याद रखेंगे, उसको क्या कहते हैं एक्सपोर्ट। तो आएगा तो आयात, आ जाएगा तो निर्यात। तो कह रहा है कि हम मंगाएंगे, तो मंगाते हैं कोई चीज़ तो मेरे यहाँ आता ही तो है ना, तो आयात हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा सेकेंड का सी ऑप्शन। आप जो ऑप्शन लिखे थे मेरे वाला में ऑप्शन लिखिएगा, ठीक है, सेकेंड का सी, और लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न, आज बड़ा ही इजी इजी प्रश्न है, अगर आप पढ़ते हैं तो आराम से बन जाएंगे, कोई परेशानी होने वाला बात नहीं। तीसरा प्रश्न है कि आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई है, आसियान की स्थापना किस वर्ष हुआ है, 1967 में हुआ है, ये 1977 में, ये 1987 में, ये 1997 में। फटाफट से जवाब देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, आसियान की स्थापना कब हुई है। चलिए वीडियो रोक कर करके सोच के आप अपना आंसर लिख लीजिएगा। अब सही जवाब की बात कर लेंगे, तो आसियान में, आसियान की जो स्थापना है वो आपका सार्क से पहले हुआ है 1967 में, याद रखेंगे 1967 में आसियान की स्थापना हुआ है। आसियान क्या है, तो दक्षिणी एशियाई देशों का एक ग्रुप है, यानी जब आप भारत के पूर्वी वाला जो इलाका है ये याद रखेंगे, तो भारत के पूर्वी साइड में जो भाग है ना, तो उधर से आप बढ़ते हैं पूरब की ओर, सॉरी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो इधर से आपका एक कंट्री लगेगा म्यांमार, फिर म्यांमार से इधर आपको चले जाइएगा इधर पूरब की ओर, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का अपना एक संगठन है, इसको कहते हैं आसियान, ठीक है। इसमें कुल और कुल 10 देश हैं, जो एक 10वां में पढ़े थे आप, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, तो ये सब के सब देश जो है वो आसियान के मेंबर हैं। साथ साथ इंडोनेशिया भी इसके मेंबर है, फिलीपींस भी इसके मेंबर है, मलेशिया भी इसके मेंबर है, ठीक है। तो काफ़ी सारे देश है, यानी टोटल 10 देश है, और इस 10 देशों को एकता की ओर इशारा करने के लिए आसियान के जो झंडे हैं उसमें धान की 10 बालियाँ हैं। कभी कभी यही पूछ देते हैं कि किसके झंडे में धान की 10 बालियाँ हैं, तो आसियान के झंडे में धान की 10 बालियाँ हैं। आसियान में कुल कितने देश हैं, तो आसियान में जो है कुल 10 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1967 में, जैसे सबका एक क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे दक्षिण एशिया वाला के जिसमें भारत भी आता है, इसका हो गया सार्क, इसका क्या हो गया सार्क, और इधर वाला के आसियान, यूरोप में यूरोपीय संघ, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो तीसरा का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, थ्री का ये सही है। अब बढ़ते फोर नंबर प्रश्न की ओर, तो फोर नंबर प्रश्न है आपका कि 2018 ईस्वी, एक बार देख ले आराम से, 2018 ईस्वी के मानव विकास सूचकांक में किस देश का स्थान जो है वो प्रथम था। आपको सही सही जवाब बताना है कि किस देश का स्थान जो है वो आपका प्लस है 2018 ईस्वी के मानव विकास सूचकांक में। ऑप्शन वन है भारत का, दूसरा न्यूजीलैंड का, तीसरा आयरलैंड का, और चौथा नॉर्वे का। अगर सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कि प्रथम स्थान तो नॉर्वे का। नॉर्वे से संबंधित बात बता दें कि पहले क्या था ना, कि बहुत सालों सालों तक याद रखेंगे, जब ये मानव विकास सूचकांक जब आती थी तो उसमें मानव विकास को अगर देखा जाए तो नंबर वन पे बना रहता था नॉर्वे, और 2018 की बात है तो इस समय भी नॉर्वे प्रथम स्थान पे है। लेकिन अभी वर्तमान में जो बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे इस बार, फिर आगे आप वीडियो देखेंगे अगले साल, तो अगले साल वाले बच्चे देख लेंगे कि वर्तमान में क्या है। अभी अगर बता दें वर्तमान से जुड़ करके, तो अभी एक देश है जिसको कहते हैं स्विट्जरलैंड, याद रखेंगे इसको क्या कहते हैं स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड का आप नाम सुन रखे होंगे क्योंकि यहीं पे जिनेवा पड़ता है, और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। तो स्विट्जरलैंड अभी वर्तमान समय में नॉर्वे को पीछे छोड़ करके अब मानव विकास सूचकांक में नंबर वन हो गया, याद रखेंगे नंबर वन अगर कोई कंट्री मानव विकास सूचकांक में वर्तमान में है तो ये याद रखेंगे ये आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए, और पहले कौन था, तो नॉर्वे, तो 2018 के अकॉर्डिंग नॉर्वे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं पांचवें नंबर पर, मात्र पांच सवाल और बच रहे हैं आपके सामने। चलिए, ये आपके सामने पांचवें सवाल हो गए, इनमें से कौन नियोजित नगर है, आपको बताना है कि इनमें से कौन नियोजित नगर है, प्लानिंग किया हुआ शहर जो प्लान करके ही बसाया गया है। ऑप्शन वन है आपका चंडीगढ़, दूसरा है केनबरा, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है इनमें से सभी। तो फटाफट से रुक के वीडियो आप देख लेंगे,
तो बात कर ले प्लानिंग कर करके, भारत में प्लानिंग करके जो बनाया गया शहर है वो है आपका, एक भारत में एक चंडीगढ़ भी है, ठीक है। चंडीगढ़ ये आपका पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी भी है चंडीगढ़, इसको प्लान करके बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो केनबरा, याद रखेंगे केनबेरा भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं, ये क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसके अलावा आप अदिस अबाबा भी देख सकते हैं, ठीक है। अदिस अबाबा अफ्रीका में पड़ता है, और जब जमशेदपुर, यानी इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। डायरेक्ट वे में बोले तो पांचवा के डी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। अच्छा एक बात और बताना चाहते हैं कि जो जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमारा जो पेपर है ऐसे अलग अलग वीडियो हम नहीं देख पा रहे हैं, बहुत सारा वीडियो हो जाता है तब, तो जो जो बच्चे चाहते हैं कि हम आपसे पीडीएफ लेना चाहें आंसर के साथ सभी वीवीआई प्रश्न को, तो उनको कुछ नहीं करना है, वीवीआई पीडीएफ मात्र आपको 51 रुपया में दे दिए जाएंगे, ठीक है। 51 रुपया में ऑल टू ऑल सब्जेक्ट। लेकिन आप चाहते हैं कि वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ ले करके पढ़े, तो उसके लिए आपको पेमेंट क्या करना होगा, तो उसके लिए पेमेंट करना होगा 99 रुपया में 3 सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट के लिए 51 रुपया। केवल वीवीआई पीडीएफ लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे 51 रुपया में। और अगर आप वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ चैप्टर वाइज लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, तो आपको लग जाएगा 99 रुपया। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हम आपको दे सकते हैं, और कोई भी पीडीएफ से किसी तरह के परेशानी होता है, क्वेश्चन न समझ में आए, वीडियो से न समझ में आए, या वीवीआई से, तो डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप से या वॉइस मैसेज के थ्रू कॉल करके भी। तो आप लिख सकते हैं 8825376551, ठीक है, बोल दे रहे हैं। तो इस पे आप व्हाट्सएप कर करके, आप हमसे बात संपर्क कर करके और पेमेंट भिजवा के इसी नंबर पे, और आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बढ़ते हैं, पांचवें नंबर हो गया आपका इनमें से सभी, और छठवें नंबर है, ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को, कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। देखना है कि उत्तर दक्षिण गलियारा किससे किसको जोड़ता है, जम्मू को तिरुवंतपुरम से, दूसरा बालामुला को तिरुनेलवेली से, तीसरा श्रीनगर को कन्याकुमारी से, चौथा श्रीनगर को नागर कोइल से। तो इस जवाब जो है ये आपको फटाफट से बताना है, क्योंकि पिछले वीडियो क्लास में भी ये चीज हम आपको दिए थे। तो ये हम देखें कि अगर ऊपर में अगर देख लेंगे, बनाने में लेट हो जाएगा, तो ऊपर में जम्मू से लेकर के निचले वाला भारत का जो छोर है एकदम नीचे मान लेते हैं कि, तो कन्याकुमारी, तो जम्मू से लेकर करके कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी हो जाएगा आपका। तो ये सी ऑप्शन सही होगा, सिक्स का सी ऑप्शन सही होगा, श्रीनगर से लेकर करके और कन्याकुमारी तक है, ठीक है। अब 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, फटाफट से देखेंगे, मात्र 2-3 प्रश्न और है। प्रश्न है आपका कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। एकदम एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है, उसी से लिया गया है। बताना है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है, रूस में, डेनमार्क में, भारत में, या फिर नीदरलैंड। तो सही जवाब की अगर बात कर लेंगे तो सहकारी कृषि अगर आपसे पूछा जाएगा, बाकी हम पढ़ा रखे हैं सहकारी कृषि क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा डेनमार्क। लेकिन एक होता है सामूहिक कृषि, याद रखेंगे सामूहिक कृषि, सरकार सभी जमीन को ले लेती है और पूरे समूह में लोगों से केवल खेती कराती है, तो बदले में अनाज उनाज देती है, तो वो याद रखेंगे रूस हो जाता, सामूहिक कृषि का था तो रूस। लेकिन सहकारी कृषि अगर यहाँ पे है तो सहकारी कृषि भी पढ़ा दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा आपका डेनमार्क। तो 7 का B ऑप्शन एकदम सही है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। तो 8 नंबर प्रश्न है, फूलों की कृषि कहलाती है, बताना है फूलों की कृषि क्या कहलाती है, क्या ट्रक फार्मिंग कहलाती है, या कारखाना कृषि कहलाएगी, या मिश्रित कृषि, या फिर पुष्प उत्पादन कहलाती है। तो फूलों की खेती की बात कर लेंगे, सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन पुष्प उत्पादन, याद रखेंगे डी ऑप्शन पुष्प उत्पादन, ये आपका 8 नंबर प्रश्न। अब 2 ही प्रश्न है मात्र, जल्दी जल्दी देखेंगे। ये आपका जनसंख्या से लिया गया बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है, आराम से देखेंगे इसको। प्रश्न है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पे कम लोग और कम स्थानों पे बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया है। ऑप्शन की अगर बात कर लेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा माल्थस के द्वारा, दूसरा रेटजल के द्वारा, तीसरा जॉर्ज वी क्रेस्सी के द्वारा, ये इनमें से कोई नहीं। सही जवाब फटाफट से देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखिए एशिया के देशों में बहुत ज़्यादा ज़मीन पे बहुत जो है कि कम लोग रहते हैं, और बहुत कम ज़मीन पे जो है वो ज़्यादा लोग रहते हैं घनी आबादी। तो ये जो लाइनें हैं ये जॉर्ज बी क्रेशी साहब का है। अब जनसंख्या वाला चैप्टर निकालिएगा, उसमें आगे ही मिल जाएगा, ठीक है, बुक्स में। तो 9 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन एकदम सही है। अब बढ़ते हैं अगला, आज का लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट प्रश्न कम से कम अच्छा करके जाइए, ठीक है। चलिए तो 10वां नंबर प्रश्न का, यहाँ पे बढ़िया सा प्रश्न है एकदम रसगुल्ला वाला, कि कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है जी। कृषि के निर्धारण में कृषि कैसा होगा नहीं होगा, तो इसमें जबरदस्त तो यानी भारत में जबरदस्त हाथ किसका होता है, भूमि का होता है या वर्षा का होता है या मिट्टी का होता है या इनमें से कोई। तो सही जवाब बात कर लेंगे, तो भारत में कृषि अच्छा हो या क्या हो तो उस पर डिपेंड किस पे करता है ज़्यादातर, तो वर्षा पे। तो ये आपका बी ऑप्शन एकदम सही, ठीक है। चलिए तो आप पहले गिन कर करके ईमानदारी से 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए वो कमेंट में करना है, कि 5 सही हुआ या 6 सही हुआ या फिर 7 सही हुआ कि 8 सही हुआ कि 9 सही हुआ कि 10 में 10 सही हो गया, ये सारा कुछ आपको कमेंट में करना है। तो किसी तरह के और भी डाउट परेशानी होता है या कुछ और भी आप कहना चाहते हैं आप सब लोग, तो एकदम दिल से स्वागत है आप सबका, कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें, ठीक है। बाकी मिलते हैं इसी तरह से VVI प्रश्नों के कुछ आगे के सीरीज लेकर के आएंगे अगले सिलेबस वाले में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।